कोई मतलब आइडिया था नहीं कि आगे करूँ क्या या ना करूँ। तो पहले तो NIT देख के मैं देखा कि हाँ MCA भी कर सकता हूँ, तो NIT जाने का मौका है। फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि, और फिर लास्ट दिन जब एग्ज़ाम देने गया कि मतलब इस बार करने से ज़्यादा छोड़ने का स्कोप है। अब तो ज़्यादा ये होता है कि मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, मतलब गलत वही होता है जो आते हैं वही गलत होते हैं। मतलब मैं फाइनल मॉक निमसे 2024 करके ही लिख के देता था। तो फिर उसके बाद फिर जब सेक्शन जंप हुआ, सेकंड सेक्शन में गया, पहले पढ़ने से फायदा ये होता है ना कि ज़्यादा स्ट्रेस होता नहीं है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। चलिए निमसेट के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, प्रवीण कुमार गुप्ता, जिनका ऑल इंडिया रैंक 317 है, जो पटना बिहार से हैं। तो प्रवीण, सबसे पहले तो 317 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रवीण के बारे में बता दूं कि प्रवीण ने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव किए, यानी दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया और इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो प्रदीप, आपकी जो इंटायर प्रवीण सॉरी आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी जो है, मैं चाहूँगा वो डिटेल में आप बताओ, कब आपने सोचा और फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की? सब पहले तो वही 10th के बाद सब यूजुअली JEE वगैरह की तैयारी करते हैं 11th 12th में, लेकिन वही JEE में मतलब तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मतलब तीनों तो सब्जेक्ट बैलेंस हो नहीं पाए थे। तो मैंने फिर 12th के बाद ड्रॉप लिया था कि JEE की तैयारी करूँगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर ये कोरोना वगैरह का भी इशू हो गया था और फिर मैंने फिर वो JEE का कंटिन्यू कर नहीं कर पाया था। और फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया सिंपल BSc मैथ्स ऑनर्स। फिर उसके बाद कोई मतलब आइडिया था नहीं कि आगे करूँ क्या या ना करूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने YouTube पे ऐसे ही सर्च करने लगा, तो फिर देखा कि ग्रेजुएशन के बाद जिसका मैथ्स होता है या स्टैट्स होता है सब्सिडरी में, तो वो आगे जाके MCA कर सकते हैं NIT से। तो पहले तो NIT देख के मैं देखा कि हाँ MCA भी कर सकता हूँ, तो NIT जाने का मौका है। तो फिर मैंने फिर सोचा कि BSc की पढ़ाई फिर अगले मतलब क्योंकि कोरोना चल रहा था तो अगले साल स्टार्ट हुई थी, मतलब अगले साल की फरवरी में। तो फिर मैंने सोचा कि इसी को कंटिन्यू करूं कि मैथ्स BSc मैथ्स है तो निमसेट में मतलब फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, +2 का मैथ्स पूछा जाता है, मतलब JEE मेंस के टच तक या उससे कम ही। तो फिर मैंने सोचा कि BCA प्लस MCA कर लूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो फिर मैंने BCA किया, BCA में एडमिशन लिया। और फिर उसके बाद पहले तो कुछ मतलब सिलेबस वगैरह देख रहा था निमसेट का कि क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने सेकेंड ईयर से ले लिया था कोर्स गुरुकुल का। तो फिर मैंने फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर जब स्टार्ट किया तो फिर कभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था पढ़ाई, तो फिर कॉलेज मैनेज नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने देखा कि जितना होता है उतना ही करता हूँ, सिर्फ मैथ्स ही पढ़ता हूँ और रीजनिंग तो मतलब टॉपिक कवर करता हूँ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो फिर उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में आया, तो फिर फाइनल ईयर में मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ गए। फिर उसके बाद फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जो फाइनल 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था वो मई में हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था तो मतलब मेरा मैक्सिमम टॉपिक अच्छे से कवर हुए थे और नोट्स वगैरह भी अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। तो फिर लास्ट में मैंने सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर मैं भूल गया कि सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया भी है। और बस लास्ट में थोड़ा मतलब दिक्कत हो गया था क्योंकि 15 दिन पढ़ाई छूट गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कैसे रिवीजन करूँ, पीछे का छूट भी गया है। तो फिर फाइनल मॉक जो चल रहा था 1 से लेकर 10 तक, मैंने उसमें जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं या जो क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा है उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा नहीं सोचा कि सारे कर पिछले 1 साल में जितना किया सारा कर लेता हूँ। तो फिर सिर्फ उतना ही किया और जो वॉर्म टेस्ट हुआ लास्ट में उसको एकदम ओरिजिनल टेस्ट की मतलब जो नंबर आएगा मैं वही मान लूंगा कि मेरा यही नंबर यही फाइनल में भी आने वाला है। तो फिर उसी को दिया। तो फिर उसके बाद एकदम उसके बाद जो हुआ जो फाइनल जो वॉर्म टेस्ट 4 हुआ उसमें मेरे 550 मार्क्स आ गए थे। तो और बाकी में कम भी आ रहे थे ज़्यादा भी आ रहे थे, तो मैं सोच लिया कि हाँ हो गया अब मेरा प्रिपरेशन। फिर उसके बाद लास्ट दिन एकदम फ्रेश, मतलब कुछ पढ़ना नहीं है। और फिर लास्ट दिन जब एग्ज़ाम देने गया तो फिर लगा कि कुछ नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ मतलब कुछ हद के भी आ रहे हैं। तो फिर जो उसी दिन सर ने एक सेशन लिया था कि मतलब इस बार करने से ज़्यादा छोड़ने का स्कोप है, तो जो करना है मतलब क्वेश्चन कुछ आया नहीं बन रहे हैं तो छोड़ दो, फिर नहीं आया फिर नहीं बन रहे हैं या टाइम लग रहा है तो छोड़ दो, मार्क को रिव्यू करके छोड़ दो। फिर जो बन रहे हैं क्वेश्चन सिलेक्ट करो। देखो निमसेट एग्जाम अब तो टाइम बेस्ड एग्जाम हो गया, 70 में 50 क्वेश्चन करना है, तो वही क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो करना है, जो मतलब बनता है या जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उसे मतलब
कि रॉन्ग क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। एग्जाम से निकलने के बाद ये मतलब किसी को अफसोस होता नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये क्वेश्चन छोड़ दिया। अफसोस ज़्यादा ये होता है कि मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, ये ज़्यादा अफसोस होता है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, टेस्ट भी देना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब गलत वही होता है जो आते हैं वही गलत होते हैं, मतलब या ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ दो। तो वो ज़्यादा मतलब काम किया, मेरे ओवरऑल 456 मार्क्स आए। बिल्कुल सही बोला प्रवीण आपने, और एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली कि आपने सेकेंड ईयर से ही ज्वाइन कर लिया था, कई बार इसलिए ड्रॉप का भी जरूरत नहीं पड़ा। एक्चुअल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार एक दो साल की प्रिपरेशन लगती है, कई बच्चा फाइनल में सोचता है इसलिए एक ड्रॉप लेता है, फाइनल के बाद सोचता है, कई बार उसको सेकेंड ड्रॉप इसलिए नहीं लेना, इसलिए लेना पड़ जाता है क्योंकि बाई चांस लेट तैयारी की थी। पर आपने क्योंकि सेकेंड ईयर से की थी, तो अच्छा दूसरा सेकेंड ईयर से तैयारी करने का एक फायदा और हुआ कि बीच में जब एग्जाम आए तो उससे भी आपको इफेक्ट नहीं आया और उसको भी आपने अच्छे से मैनेज कर लिया। बिल्कुल सही है। तो अब ये बताओ आपकी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थे, पेपर दे रहे थे, तो क्या थॉट था? सर थॉट था कि मतलब जो वार्म टेस्ट दिया है ना उसी को मैं मतलब जो ऊपर लिखना होता है कि मतलब मैं फाइनल मॉक निमसेट 2024 करके ही लिख के देता था कि यही मेरे मार्क्स है। तो मतलब पता ही नहीं चला, बस शुरुआत में थोड़ा माहौल अलग है तो बच्चे बैठे हुए हैं, पहले तो मैं तो ऑफलाइन स्टूडेंट था, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट था, तो घर पर अकेले बैठ के एग्जाम देता था, तो वहाँ पर थोड़ा अलग तो लगा, लेकिन मतलब CVT भी दिया था, उसमें भी मेरे 205 मार्क्स आए थे। तो एक मतलब मेरे पास बेस तैयार था कि मतलब अगर नहीं हुआ तो क्या, मेरे पास तो CVT मिल ही जाएगा, BHU वगैरह मिल जाएगा, BHU मिल गया, DU मिल गया, DU भी मिल गया, अरे वाह बहुत बहुत बधाई, तो वो भी मिल गया, तो मतलब छूट भी जाएगा तो क्या छूट जाएगा। तो फिर मैथ्स अटेम्प्ट किया, मतलब कुछ कम ही अटेम्प्ट हुए थे, ज़्यादा अटेम्प्ट मतलब 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। तो फिर उसके बाद फिर जब सेक्शन जंप हुआ, सेकंड सेक्शन में गया, तो फिर मैं भूल गया कि मैंने मैच किया भी है। अब जितना रीजनिंग कर, बस जो है 40 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ढूंढ के बस रीजनिंग करते जाना है, और पजल्स वगैरह तो लास्ट में थे, वो तो मैंने छोड़ ही दिया था, और फिर कंप्यूटर इंग्लिश में तो मतलब टाइम रहता ही है। बिल्कुल सही है। तो आप अपने जूनियर को क्या मैसेज दोगे, क्योंकि आपने सेकेंड ईयर से पढ़ाई की है, तो आपका मैसेज जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से सोचते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे क्यों पहले पढ़ना जरूरी, तो आपका क्या मैसेज होगा? पहले पढ़ने से फ़ायदा ये होता है ना कि ज़्यादा स्ट्रेस होता नहीं है, और फिर बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है कि मतलब जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब करूँगा, या फिर फाइनल ईयर में करूँगा, तो फिर कोपअप ही नहीं हो पाता है, सर मतलब मेरे फाइनल एग्जाम्स भी है और निमसेट एग्जाम भी है, फिर फाइनल एग्जाम में अगर मैंने निमसेट की तैयारी के कारण सेमेस्टर एग्जाम में बैक लग गया, तो फिर उसके बाद तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। तो फिर मतलब सेकेंड ईयर से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें होता है कि गलती पता चल जाता है, और फिर उसको फाइनल ईयर में सुधार सकते हैं, लेकिन अगर फाइनल ईयर में गलती करेंगे तो फिर सुधारने का टाइम है, ड्रॉप लो, उसके बाद ही उस गलती को सुधार सकते हैं। तो यही फायदा होता है। और मैंने मतलब JEE वगैरह की भी मतलब मैथ्स भी मतलब उतना अच्छे से तैयारी कर नहीं पाती, मतलब मैं सिर्फ बोर्ड लेवल ही पढ़ा था, तो हुआ था कि मतलब बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि ऑप्शंस मतलब 11th 12th में तो बोर्ड लेवल थ्योरी सॉल्व करना होता है, लेकिन इसमें JEE में होता है कि ऑप्शन से मतलब सॉल्व करना होता है। तो सेकेंड ईयर में आया, सेकेंड ईयर में ज्वाइन करने से हुआ कि मतलब कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सारे ऑप्शंस को पुट करके देखो और कि वो सेटिस्फाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस तरह से सॉल्व करना, निगेटिव मार्किंग होती है उसको जानना, तो सारे एक तरह से डबल एक्सपीरियंस हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने काफ़ी अच्छे से डेवलप की। बिल्कुल सही। चलो बहुत बहुत बधाई आपको बेटा, आप ऐसी NIT में जाके भी परफॉर्म करो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।